सावन का आखिरी सोमवार है। सावन के आखिरी सोमवार का विशेष महत्व है, शिव जी का महीना है। सावन के महीने में शिव जी का महत्व विशेष है। कितने पुराने प्राचीन मंदिर और क्या मानता है ये? आदिकाल से है। सत्यित के समय में राजा अधिकोदास यहाँ पर राज्य करते थे, उस समय से ये मंदिर है। सूर्य भगवान यहाँ आए हैं, आकर के उन्होंने ये शिवलिंग स्थापित किया है पूर्व की तरफ होकर के। कुंड भी सूर्य भगवान की वजह से प्रकट हुआ है। कुंड में स्नान करने के बाद यहाँ पर पूजन करेंगे, पूजा करेंगे तो सारा पूजा भगवान सूर्य को जाएगा और मनोकामना सब भगवान भोलेनाथ पूरा। सबसे ज़्यादा यहाँ संतान उत्पत्ति और जो प्राप्ति के लिए विशेष रूप से यहाँ पूजन होती है। तो आज लगभग कितने लोग दर्शन यहाँ पे पूजन कर लेते हैं? संतान प्राप्ति के लिए विशेष रूप से किया जाता है, मुंडन होता है, उसके बाद संतान होने के बाद लोग आते हैं मुंडन करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। सत्यन कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं चकिया चंदौली। कितने साल शादी को हुआ था और आज किस लिए आए थे यहाँ पे? शादी को मेरा लगभग 4 साल, और पिछले साल हम यहाँ स्नान किए थे और इस बार अच्छा है मुंडन कराने आए। तो कितनी मान्यता है बाबा में? हम तो 99.9% है जी। तो हर साल आप आएंगे बाबा के दर्शन करने? हर साल के लिए ऐसा कोई मन्नत नहीं था, एक बार के लिए हम अपना सोचे थे। मेरा मन था, कोई मन्नत भी कोई किसी मेरा मन्नत नहीं था, मन था इसलिए हम प्रयास किए। तो आज किसके साथ आए हैं? बीवी है, बच्चा है, पिताजी हैं, सास ससुर जी हैं, सारे लोग साथ आए। कितनी खुशी है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।